इस एरिया में टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा आना है, आना जाना है, तो इसलिए यहाँ हम रेस्टोरेंट वगैरह खोल सकते हैं। इस चीज़ से हमें ये कि हमारा ये जो पेड़ पौधे हैं ये बच जाएंगे कि सुरक्षित रहे। ये है मालदेवता रोड, सहजधारा से 1 किलोमीटर पीछे मालदेवता रोड, न्यू रोड। अच्छा, मालदेवता की रोड पड़ती है, तो ये खैरी गांव पड़ता है, ये वाला खैरी गांव में आता है। तो यहाँ गांव एरिया है, तो इसलिए यहाँ इतना वो नहीं है, प्रदूषण वगैरह नहीं है, पेड़ पौधे नहीं कटते इतना, ये गांव एरिया है। बाकी अदरवाइज जैसे मार्केट में जाओ तो मार्केट में तो सारे इस टाइम तो आप खुद देख सकते हैं कि कितने पेड़ कटे इस साल, इस साल तो बहुत पेड़ कटे हैं, तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ अभी सुरक्षित है। अभी ये न्यू रोड बनी तो न्यू रोड में तो पता नहीं कितने पेड़ कटे होंगे, पहले भी ये पूरा जंगल ही था। अब लोगों ने जैसे ये बिजनेस वगैरह, ये अपना घर बनाना, रेस्टोरेंट खोलना, तो इसलिए ये सारे पेड़ अब यहाँ भी धीरे धीरे कटने लगे। Here 42 years back, at that time the temperature used to be around 37 the maximum, and if it that is 38 it used to rain in the evening. But now the temperature is going above 40, 42, 43, and when we came here at that time our place used to get snowfall hoti thi hamare ghar mein. But no, not now. There is lot of pollution, lot of noise pollution, otherwise pollution. सारे कट गए मेरे वहाँ से लेके यहाँ तक, there were 9 trees. Okay. And all of them got cut. इतना protest वगैरह भी हुआ था उस समय. हाँ. तो हुआ था. फर्क नहीं पड़ा उसका. Nobody cares. The government doesn't care. They are only after money. I think the first thing is the environment. If the environment is cool or cold, naturally people come. And when they come here, natural investments are there. Income लोगों की ज़्यादा होगी. Everything depends only on the environment. And the government has spoiled the environment. टाइम में तो ऐसा होता था कि राजपुर रोड पे बहल चौक है, बहल चौक तक ही लोग आते थे, उससे आगे आते हुए डरते थे कि जंगल इलाका शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एकांत सुनसान और पेड़ ही पेड़ थे वहाँ पर। और मसूरी तो आराम से लोग जाते थे, आजकल तो मसूरी में जाना आफत है, इतना ज्यादा रश होता है, वीकेंड में तो दो दो घंटे का, तीन तीन घंटे का जाम लगा रहता है, बिल्कुल जगह नहीं होती वहाँ पर। डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है, सारे शोरूम, सारे बैंक्स, सब कुछ आ गया है, और इतने ज़्यादा फ्लैट्स यहाँ बन गए हैं चारों तरफ। सहदारा रोड पूरा जंगल हुआ करता था, डरते थे वहाँ लोग जाने के, वो पूरा डेवलप हो गया है। GMS रोड वो सारा डेवलप हो गया है, और इधर हरिद्वार रोड सारा, चारों तरफ इतनी डेवलपमेंट हो गई है। अंदर इंटीरियर में गाँव इतने ज़्यादा बस गए हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, और गाड़ियाँ कई साल पहले जो सड़कें थी, सड़कें तो आज भी वही है, बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ा है, और गाड़ियां हर साल मतलब लाखों की तादाद में गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो। ये जितने पहाड़ हैं सारे के सारे गिरते जा रहे हैं, और बारिश की दिक्कत हो रही है। अब मौसम इतना ज्यादा चेंज हो गया, मसूरी में भी अब आजकल पंखे लगने शुरू हो गए हैं, AC लगने शुरू हो गए हैं, पहले वहां पर पंखों का नाम नहीं होता मसूरी में, जहाँ इतनी ठंड होती है वहां भी अब पंखे आम लगे हुए हैं सब जगह पे। अभी एक और हाईवे बनना है इधर, क्या कहते हैं, हाथीबटला साइड में, वो कहते हैं कि हम कोई पेड़ नहीं काटेंगे, अगर कोई पेड़ नहीं काटेंगे तो बड़ा मुश्किल है, सड़क बहुत ज्यादा चौड़ी करना, काटने तो पड़ेंगे, डेवलपमेंट नहीं होगा। अच्छा, अगर नहीं काटेंगे तो डेवलपमेंट संभव नहीं है, तो मिली जुली चीजें हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि पेड़ अगर काट रहे हैं तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं जरूर यहीं पर करें, इसी इलाकों में आसपास वो कर दें तो एनवायरमेंट जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा
आईएएस लोग या कुछ प्लानर्स 3-4 साल की पोस्टिंग पर देहरादून आते हैं और वो देहरादून के लिए योजनाएं बनाते हैं जिन्हें देहरादून का कोई ABC कोई इतिहास कोई ज्योग्राफी कोई टोपोग्राफी कुछ नहीं पता। उन्हें यहाँ की जियोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें यहाँ की हवा के बारे में कुछ नहीं, यहाँ के मौसम के बारे में कुछ नहीं पता। तो वो यहाँ के पे आके योजनाएं बनाते हैं देहरादून शहर के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं स्थानीय लोगों की कोई भी राय लिए बगैर। तो स्थानीय लोगों से तो आप राय लीजिए ना कि आप भाई आप क्या चाहते हैं, या जो लोग पुराने यहाँ से 20-25 साल 50 साल से रह रहे हैं तो उनसे राय लीजिए कि भाई देहरादून को क्या सूट करेगा जो देहरादून का क्लाइमेट ख़राब था और हम इसको प्रिजर्व कर पाए। बिकॉज देहरादून जो है वो वर्ल्ड का, हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सिटीज था और लिवेबल था, मतलब अब तो ये लिवेबल नहीं रहा। जैसे और शहर हो गए इंडिया के वैसे ये भी अब अनलिवेबल हो गया, मतलब क्वालिटी ऑफ लिविंग यहाँ बिल्कुल निचले स्तर पर पहुँच गई है। अक्सर आप ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, खासकर वीकेंड्स पे हम लोग अपने घर में कैद हो जाते हैं। तो मेरा सवाल हमेशा ही रहता है क्या उत्तराखंड जो है वो हमें, मतलब जो क्या हमारे लिए बना था या दूसरे बाहरी लोग, मतलब बाहरी एज एन बाहरी से कोई ये नहीं कि हमारा किसी के प्रति हमारा कोई द्वेष है, पर बाहरी इससे कि जो अभी यहाँ नहीं रह रहा और जो बचपन से जो यहाँ से नहीं रहा है, जो यहाँ का नागरिक नहीं है या यहाँ का शहरी नहीं है। क्योंकि ऐसा कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा एक शहर एक सीमित एरिया में, क्योंकि ये पहाड़ है, 3 तरफ से पहाड़ से गिरा हुआ है तो इसमें एक्सपेंशन की गुंजाइश उतनी नहीं है और फिर यहाँ का इकोसिस्टम फ्रेजाइल है। तो यहाँ पे हम जैसा विस्तार हम प्लेन्स में करते हैं वैसा विस्तार हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो हमें इसलिए हमें बाहरी और अंदरूनी को थोड़ा अलग करना पड़ेगा और एक रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा कि बाहर वाले यहाँ जगह ना खरीद पाएँ, या हम क्योंकि एक असीमित फैलाव हम नहीं कर सकते अपने शहर का, तो हमें एक रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा जिसके लिए भू कानून भी काफ़ी आया पर फिर उसको डाइल्यूट कर दिया गया। तो यहाँ बहुत बाहर के लोग अभी जगह खरीद रहे हैं दिल्ली सहारनपुर UP से और उससे क्या हो रहा है कि हमारे लिए आज 100 गज की जगह लेना भी मुश्किल है। यहाँ का स्थानीय व्यक्ति 100 गज का प्लॉट लेके अपना मकान नहीं बना सका। ओवर टूरिज्म जो एक बिल्कुल मैं आजकल शब्द का प्रयोग करता हूँ कि ओवर टूरिज्म जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कितने भी लोग कभी भी किसी भी समय आपके शहर में आ सकते हैं। इसलिए शहर भी अब ये कह रहा है कि मैं इतने लोगों को नहीं संभाल सकता, मेरे संसाधन मेरी नदियाँ प्रदूषित हो चुकी हैं, मेरे जंगल इस सड़कों को बनाने की होड़ में मेरे जंगल कट चुके हैं और मेरे नहरें बंद हो गई, मेरी जो बासमती की फील्ड्स थी वो ख़त्म हो गई, मेरे जो लीची के आम के बाग बगीचे थे वो ख़त्म हो गए। तो जो क्वालिटी ऑफ लिविंग थी इस शहर में, ये शहर बेसिकली मर रहा है इस समय और मरणास्थन स्थिति में है और इसको बचाने का अभी हाल फिलहाल कोई उपाय नहीं नज़र आता क्योंकि एक रेस लगी हुई है डेवलपमेंट रोज, मतलब मैं तो आए दिन रोज देखता हूँ कि रोज नया एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट घोषित कर दिया जाता है। कभी सहारनपुर से रेलवे लाइन लाने की बात होती है, कभी और एक दिल्ली देहरादून हाईवे बन गया, फिर मसूरी के लिए एक और सड़क बन रही है, ऋषिकेश से देहरादून के लिए नई सड़क मतलब बनाई जा रही है, हर जगह 4 लेनिंग करी जा रही है। तो लेकिन देहरादून एक छोटा सा एक क्वाइट टाउन था, एक स्लीपी टाउन था, उसको झंझोड़ के उठा दिया गया कि भाई उठो डेवलपमेंट हो रही है।